हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ पॉलिटिक चैप्टर नंबर 9, जो कि है अ शर्ट इन द मार्केट। सो मार्केट में शर्ट, अब आप सोच रहे होंगे कैसा चैप्टर है। सो इस चैप्टर में हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टू सेल ऑफ द शर्ट। कोई भी एक शर्ट है वो कैसे बनती है, उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, एक कॉटन के रूप में होती है, ठीक है, फिर वो यार्न बनता है, फिर वो मार्केट में जाता है और उसकी सेल कैसे होती है, तो ये पूरा का पूरा हमें आज के वीडियो में पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सब टॉपिक, जो कि है कॉटन फार्मर इन कुरनूल। कुरनूल एक जगह का नाम है, तो वहाँ पर एक फार्मर है जो कॉटन की प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुरनूल, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। फार्मर ग्रोज कॉटन ऑन द स्मॉल पीस ऑफ लैंड। अब यहाँ पे जो किसान होते हैं वो बहुत, उनके पास बहुत कम ज़मीन होती है, तो उस थोड़ी थोड़ी ज़मीन पे जितना भी हो सके वो कॉटन की प्रोडक्शन करते हैं, राइट। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे हम चार स्टेप्स की बात करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है वो है ग्रो, मतलब प्रोडक्शन होगी, ठीक है, उत्पादन होगा कॉटन का। रीप, यानी रीप नहीं होगी, वो पकेगी, मतलब कॉटन बनके तैयार हो जाएगी। उसके बाद है कॉटन बॉल्स गैदरिंग इज़ डन। अब जो कॉटन बॉल्स हैं, इनकी कलेक्शन भी तो करनी है, इनको इकट्ठा भी तो करना है, तो वो जो है थर्ड पार्ट होता है इसका। देन लोकल ट्रेडर, अब वो सारा इकट्ठा होकर जाता है लोकल ट्रेडर के पास, ठीक है। नाउ इनकी इनकम की बात करें, किसके इनकम की बात करेंगे, जो कॉटन फार्मर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है कॉटन अपने खेत में या अपनी ज़मीन में, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी इनकम कितनी है, उसकी बात करें तो इनकम जो है ज़्यादा होती है देन वेज लेबरर। जो हम देखते हैं ना, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, हम कहते हैं अपनी भाषा में, तो दिहाड़ी पे लगाएं, डेली वेज पे लगाएं, तो उसके हिसाब से उनकी इनकम ज़्यादा होती है, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये हो गया कॉटन फार्मर इन कुरनूल। कुरनूल में जो कॉटन फार्मर है उनके क्या हालात है, राइट। सो नेक्स्ट आता है द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड। इरोड भी एक जगह का नाम है, वहाँ पे जो कपड़ों की मार्केट है उसके बारे में अब थोड़ा सा पढ़ेंगे। सो इरोड, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, है कहाँ पे? तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु कहाँ पे है? इंडिया के साउदर्न पार्ट में है। आप एक बार मैप देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से सारी स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ पे। नाउ बाई वीकली क्लोथ मार्केट, हर दूसरे हफ्ते वहाँ पे कपड़ों की मार्केट लगती है, नॉट दुकान बट कपड़ों की मार्केट लगती है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे, जैसे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे संडे मार्केट लगती है, हर एक वीक में जैसे संडे आएगा वैसे संडे मार्केट लगेगी, वहाँ पे सारा सामान सस्ते में मिल जाता है। लेकिन जहाँ हम इरोड की बात कर रहे हैं तमिलनाडु में, वहाँ पे बाई वीकली, हर दूसरे वीक में कपड़ों की मार्केट लगती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट्स इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बहुत बड़ी क्लोथ मार्केट है, मतलब लार्जेस्ट तो नहीं है बट वन ऑफ द लार्जेस्ट है। जितनी भी बड़ी बड़ी कपड़ों की मार्केट है पूरी दुनिया में, उनमें से एक जो है वो इरोड में होती है, ठीक है। लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ्स यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे जो कपड़े होते हैं उनकी बहुत वेराइटी आपको मिल जाएगी। मर्चेंट्स एक्सपोर्टर, अब जो मर्चेंट्स हैं वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, वो एज ए एक्सपोर्टर भी वर्क करते हैं। मतलब एक्सपोर्ट करना क्या होता है, किसी भी चीज़ को अपने देश से दूसरे देश तक भेजना, ठीक है, तो वो भी मर्चेंट्स का काम यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम वीवर्स के बारे में बात करेंगे। वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम। अब कुछ वीवर्स होते हैं, ठीक है, बुनकर होते हैं, जो घर पे प्रोडक्शन करते हैं, घर पे ही प्रोडक्शन तो नहीं कहेंगे बट काम हम कहेंगे, क्योंकि वो प्रोड्यूस करेंगे कपड़ा, कपड़ा बनाएंगे वो घर पे कॉटन से, कैसे बनाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स ही हैज़ रिसीव्ड फॉर क्लोथ। अब मर्चेंट्स क्या करेंगे, जितना भी ऑर्डर आया है उस क्वांटिटी के हिसाब से काम दे देंगे वीवर्स को। वीवर्स क्या करेंगे, अब जितना उनको ऑर्डर मिला है उस हिसाब से उनको सामान मिल गया है, तो अब उन्हें तैयारी करनी है, उन्हें कपड़ा बनाना है। तो वीवर्स मर्चेंट्स, मर्चेंट्स क्या करते हैं, यान देते हैं वीवर्स को। यान मतलब धागा या जिससे कपड़ा बनता है। वीवर्स क्या करेंगे, पूरी प्रोडक्शन कंप्लीट करके क्लोथ यानी कपड़ा देंगे मर्चेंट्स को। मर्चेंट क्या करेंगे, बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। गारमेंट मतलब कपड़े जो होते हैं, तो उनको एक्सपोर्ट करने की एक फैक्ट्री दिल्ली के पास में है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब जो इरोड के मर्चेंट हैं, ठीक है, जहां हमने कहा ना कि वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट है वर्ल्ड में, वहीं की हम बात कर रहे हैं जो कि तमिलनाडु में है। तो जो इरोड के मर्चेंट्स हैं वो सप्लाई करते हैं गारमेंट्स यानी कपड़ों की सप्लाई करते हैं इसको, गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री को, जो कि दिल्ली के पास है। गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री मैंने शॉर्टकट में लिखा, क्योंकि दो तीन बार हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो फिर इतना बड़ा वर्ड है ये। सो इरोड के मर्चेंट क्या करते हैं, जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है वहाँ पे कपड़े सप्लाई करती है। मर्चेंट के पास कहाँ से आए, वीवर ने बना के दिए। वीवर के पास वो धागा कहाँ से आया, जो फार्मर्स से उन्होंने मर्चेंट्स को दिया था, मर्चेंट्स ने वो यान वीवर्स को दिया, वीवर्स ने कपड़ा वापस बना के मर्चेंट्स को दिया, मर्चेंट्स ने वो फिर गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में दे दिया। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
अब जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है, इट यूजेस द क्लोथ टू मेक शर्ट. अब दिल्ली में पहुंच गया कपड़ा, दिल्ली में जो फैक्ट्री है वो क्या करेगी, उस कपड़े से, वो जो कपड़ा है, क्लोथ है, उसे शर्ट बनाएगी. जिस शर्ट की हमने बात की है, जिस शर्ट का नाम इस चैप्टर में हमने पढ़ा ना कि अ शर्ट इन द मार्केट, तो उसी शर्ट की बात हो रही है. वो शर्ट बन गई. अब उसे जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है वो एक्सपोर्ट भी करेगी, कहाँ को, फॉरेन बायर्स को. अब जो बाहर हैं खरीदार फॉरेन में, उनको बेचेगी, ठीक है, एक्सपोर्ट करेगी. दीज लार्ज स्टोर्स डू बिजनेस स्ट्रिक्टली टू देयर ओन टर्म्स. अब ये इतना बड़ा स्टोर है, जो कि हमने किसकी बात करें, गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री की बात करें, तो ये बहुत बड़ा एक स्टोर है, तो ये बिजनेस अपने हिसाब से करते हैं. इनको नहीं फ़र्क पड़ता बाहर की जो रिस्ट्रिक्शन है उनसे, ये अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है. वुमेन्स वर्कर, यहाँ पे वुमेन्स वर्कर के बारे में हमें पढ़ना है. जो औरतें होती हैं वो भी काम करती हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है वहाँ पे वुमेन भी कार्यरत हैं, औरतें भी हैं, महिलाएँ भी हैं, टेम्प्रेरी बेसिस पे हैं, ऐसा नहीं परमानेंट है, क्योंकि परमानेंट जॉब तो सरकारी ही है, उसके अलावा तो ये टेम्प्रेरी बेसिस पे हैं. यहाँ पे वुमेन करती हैं एज हेल्पर्स फॉर, अब ये एज ए हेल्पर वर्क करती हैं. मेन काम अभी भी जो जेंट्स हैं उन्हीं का है, बट यहाँ पे एज ए हेल्पर वर्क करती हैं. काम क्या रहता है इनका, फॉर थ्रेड कटिंग, धागा काटना है, बटनिंग, बटन लगाने हैं शर्ट्स में, आयरनिंग, उनको प्रेस करना है, एंड पैकेजिंग विच हैव द लोएस्ट वेजेस, और पैकेजिंग भी करनी है उन शर्ट्स की. और जो ये काम है, इसकी सबसे कम तनख्वाह होती है, सबसे कम वेज होती है, सबसे कम पैसे मिलते हैं इस काम के लिए. ऐसे काम महिलाओं से करवाए जाते हैं गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज में, ठीक है. क्योंकि बटन लगाने का काम ऑब्वियसली जो जेंट्स है ये तो कर नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा लेडीज़ का ही रहता है, ठीक है. हमारी सोसाइटी इस तरह से बन चुकी है. नाउ मार्केट एंड इक्वालिटी. अब मार्केट से कैसे इक्वालिटी, तो देखिए वो हम पढ़ेंगे, कहाँ पे किसको कितना प्रॉफिट होता है. जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है इनको मॉडरेट प्रॉफिट होता है. मॉडरेट प्रॉफिट को भी आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट समझ सकते हैं, ठीक है. जो फॉरेन बिजनेस पर्सन है इनको ह्यूज प्रॉफिट्स होता है, क्योंकि फॉरेन में कपड़ा पहुँच गया, वहाँ फॉरेन में शर्ट पहुँच गई, वहाँ पर ये अपने हिसाब से बेचेंगे, ठीक है. इनको थोड़ी पता है कि इंडिया में क्या, इतने रुपीस का, इतने रुपीस का, 100 रुपये की शर्ट है, इसको बेचेंगे वो $100 में, कमाएंगे वो खूब 10 गुना 20 गुना, ठीक है. तो फॉरेन बिजनेस पर्सन को जो है वो ह्यूज काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है. जो स्मॉल कॉटन फार्मर्स होते हैं, यानी जिसने कॉटन प्रोड्यूस की, प्लस वीवर्स जिसने हाथ से कपड़ा बनाया यान के थ्रू, डिड नॉट इवन गेट फेयर प्राइस इन द मार्केट. उनको जितना उनका बनता है ना, उतना प्राइस भी नहीं मिलता. आप सोचिए क्या हालात है, जितनी उनकी इनकम है बहुत कम है, ठीक है. जितना उनको बनना चाहिए उससे बहुत कम है. फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस, जितना वो प्रोड्यूस करते हैं उस हिसाब से उनको कुछ भी नहीं मिलता, आप ये समझ लीजिए. नाउ मर्चेंट्स लेस देन गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री. अब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको है, जो फॉरनर है, जो फॉरेन में सामान बेच रहा है बिजनेसमैन, उसको. उससे कम किसको है, गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री को. उससे कम किसको है, मर्चेंट्स को. और सबसे कम किसको है, स्मॉल कॉटन फार्मर या वीवर्स. सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं, सबसे मेहनती और हार्ड वर्किंग काम जिसका है, उसी को सबसे ज़्यादा कम प्रॉफिट है. नाउ द मार्केट ऑफर्स पीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क. अब मार्केट क्या देती है, हर तरह के लोगों को काम करने का एक मौका देती है, अवसर देती है, एंड टू बी एबल टू सेल थिंग्स दैट दे ग्रो और प्रोड्यूस. और ये मौका देती है कि वो अपना सामान बेचें, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं जिसका, वो सामान मार्केट में आके बेचें, ठीक है. ये हो गया हमारा 9th चैप्टर कम्प्लीट, शर्ट इन द मार्केट. शर्ट की प्रोडक्शन कैसे होती है, ठीक है, किस चीज़ की बनी होती है, फिर सेल कैसे होती है, वो सारा का सारा हमने एक कह सकते हैं ना कि ब्रीफली पढ़ लिया, ठीक है. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी. और कोई और सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो मुझे जल्दी से बताइए, अदरवाइज मैं अपनी मर्जी से एनसीईआरटी स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि ये एनसीईआरटी ऑलमोस्ट कवर होने वाली है, एक ही चैप्टर बचता है इसका. एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैक्सिमम मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ. एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक. सो दैट्स इट गाइस, एंड सी यू सून.